जिन इस्लाम धर्म च कहा जांदा है जे पड़ोसी भुखा सौदा है ता तुनु पाप है। खान बाबा मुस्लिम समाज दे अनुसार रमजान दा पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने रोजा रख के अल्लाह दी इबादत कीती जांदी है। शाम दे समें रोजादारां दा रोजा खुलवाण लई सब तों पहला खजूर खा के पानी पीता जांदा है अते इस तों बाद फल खादे जांदे हन। इस मगरों नमाज अदा कीती जांदी है। इसे सिलसिले च 11वीं वाले पीर दी दरगाह ते रोजा इफ्तारी करवाई गई जिस विच वड्डी गिनती च मुस्लिम परिवारां अते सिख परिवारां ने विशेष तौर ते शमूलियत कीती। इस मौके पहुंचे सारे हिंदू मुस्लिम अते सिख भाईचारे ने मिल के पहला फल अते शरबत पीता। इस मौके पीर दी गद्दी दे खान बाबा गुलाम नबी ने सब दा स्वागत कीता अते कहा समाजिक भाईचारे नू कायम रखण दे प्रोग्राम करदे रहांगे। इस साडी नैतिक जिम्मेवारी बनदी है। आओ दिखांदे हां इस दे कुछ अंश। कैमरामैन आकाशदीप दे नाल चंदर नागपाल दी रिपोर्ट। हां जी, अज रोजा जिहड़ा इफ्तारी कराई गई है, सारे भरा ने मिलजुल के आ मनब्बर भाई था, आसमन था भाई, ये था, और सारे ने मिलजुल के एक जड़ी रोज़ा इफ्तारी कराई है 16वां रोज़े दी। सारे ने मिलजुल के अपने सारे बलादरी ने, और यहाँ हर धर्म दे आके खा पी के भी गए हैं, और हर धर्म दे भी लोग आते हैं, सारे मिलजुल के रहते हैं। एक गैरमेल सरकार हौंस पाक का स्थान है, इस स्थान पर किसी ने कोई खान पीन में कोई कमी नहीं छड़ी, इसलिए गैरमेल सरकार के हौंस पाक के स्थान पर हमेशा ये लंगर जारी रखेगा, और हमेशा 11वीं भी मनाते हैं, और रोज़े दी इफ्तारी हर हफ्ते में 2-3 बार अफ्तारी के लिए बुला के सभी को अफ्तारी, छोटे बड़े को अफ्तारी कराते जाती है, और फल फ्रूट भी आ, और बाकी जो खाना पीना भी आ, वो सब कुछ चलाते हैं। मेरी तरफ से सारे नू ये 16वां रोज़े की बधाइयाँ। ये दिन अगले साल फिर खैर संग नसीब करे। सारे मेरे तरफ से, सारा की तरफ से सत श्री अकाल जी, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।